हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल फूड में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एग ब्रेड पकौड़ा। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ये सिंपली ब्रेड पकौड़ा ही है, बट इसमें हम एग भी यूज़ करेंगे, इसलिए हम इनको एग ब्रेड पकौड़ा बोल रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 4-5 उबले हुए आलू। ये छोटे साइज के आलू हैं, लगभग आधा कप हमने यहाँ पर बेसन लिया है और 1 चम्मच के करीब हमने सौंफ ली है और 1 चम्मच ही हमने यहाँ पे चाट मसाला लिया है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच ही धनिया पाउडर भी लिया है, नमक स्वादानुसार और आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 2 एग लिए हैं और 6 ब्रेड स्लाइस ले रहे हैं और 3 ब्रेड का मैंने ब्रेड क्रम बनाकर ले लिया है। तो सबसे पहले हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें डाल दिया हमने धनिया पत्ती और डाल रहे हैं यहाँ पे चाट मसाला। चाट मसाला हम पूरा नहीं डालेंगे, इसमें आधा डाल देंगे। लाल मिर्च भी हम थोड़ी सी बचा लेंगे। धनिया पाउडर हम पूरा डाल देंगे। अमचूर पाउडर भी हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे। और नमक हम डाल देंगे स्वाद अनुसार। सौंफ को हम पूरा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा बन गया है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से हो गया। अब हम बेसन को भी घोल लेते हैं। बेसन डाल लेंगे सबसे पहले और उसमें हम ये पानी की बजाय एग फोड़कर डाल देंगे। और इसमें आप डाल देंगे बचे हुए मसाले। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, चाट मसाला डाल देंगे पूरा और नमक डाल देंगे थोड़ा सा स्वादानुसार। थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देंगे। अमचूर हम इसमें नहीं डाल रहे हैं क्योंकि चाट मसाले में भी खटाई रहती है थोड़ी सी। अच्छे से इसको फेंट लेंगे। ये फेंट लिया हमने। अब गैस पर स्लो फ्लेम पर तेल गरम करने रख देंगे। जब तक तेल गरम होगा तब तक हम पकौड़ा तैयार करेंगे। तो पकौड़े तैयार करने के लिए ब्रेड में सबसे पहले हम आलू भर लेंगे अच्छे से, फिर उसको बेसन के साथ कोट करेंगे और फिर फाइनली उसको ब्रेड क्रम के साथ में कोट कर लेंगे। हमारा ब्रेड क्रम यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्ट है, थोड़ा सा नम वाला है क्योंकि हमने इसको ड्राई नहीं किया था, सिंपली ऐसे ही ब्रेड को पीस ले लिया था। अगर आप और भी ज़्यादा क्रिस्पीनेस चाहते हैं तो अपने ब्रेड क्रम को बनाने के बाद जैसे आप पीस लेंगे उसको, तो उसको आप थोड़ा सा ड्राई कर लें। या तो आप पहले से बना के रखें और धूप में सुखा के उसको रखें, अदरवाइज अगर आप तुरंत बना रहे हैं तो उसको एक कढ़ाई में थोड़ा सा ड्राई भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा ना कि क्रिस्पीनेस और बढ़ जाएगी।
हमने धीरे धीरे बड़े आराम से अपने सारे स्लाइसेस तैयार करके ले लिए हैं। अब इन्हें एक एक करके फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम थोड़ा सा स्लो ही रखेंगे और इन्हें अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। तो हमारे सारे ब्रेड पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ये, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये बहुत ही फ्लफ़ी बनते हैं और इनका टेस्ट और बढ़ जाता है एग की वजह से। वैसे नॉर्मल ब्रेड पकौड़ा भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बट इसमें एग की वजह से और भी ज़्यादा फ्लफीनेस और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।